वेलकम टू स्टडी आई क्यू आईम अमित वरिधि किलोर अगले पांच मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुनना कॉज दिस माइट बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वी आर टोल्ड कि हमारे पास ना एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए और यहां पर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं जिसमें आपको किसी बैकअप प्लान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यू जस्ट हैव टू अपियर फॉर दिस एग्जाम यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर इट और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा नहीं है इफ़ यू आर डूइंग फॉर यूपीएससी एस एस कोई दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना सिर्फ इसका फॉर्म भरकर वहां पर जाने की जरूरत है मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताता हूँ एंड जर, जरा ध्यान से सुनना देखिए आईसीएर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है इंडियन काउंसिल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नोटिफिकेशन आई है रिसेंटली जहां पे टेक्नीशियन के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू टेक्नीशियन सो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कुछ टेक्नीशियंस की जरूरत है उसके लिए नोटिफिकेशंस निकाली गई है इस एग्जाम की 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन लॉन्च हुई है और जो फाइनल डेट ऑफ दी एप्लीकेशन है यानी जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं दैट इजेंथ जनवरी ऑफ द था टू यानी अभी भी आपके पास अट्ठारह दिन है जब आप बेसिकली ये फॉर्म भर सकते हैं इसका एग्जाम फॉर्म भरने के एग्जैक्टली exactly बीस से पच्चीस दिन यानी कि दस जनवरी को आप फाइनल डेट है फॉर्म भरने की एंड पच्चीस जनवरी से पांच फरवरी के बीच में अलग अलग सेशन में डिपेंडिंग इन दैट अगर वो चेंज नहीं होता है तो एग्जाम हो जाएगा अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप जो भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो डू

ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टेक्नीशियंस की नोटिफिकेशन आई है अब यहां पे याद रखिए कि इसमें क्वालिफिकेशंस जो हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप सारे के सारे एलिजिबल हैं जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है दैट इज द मेट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रेकोग्नाइज बोर्ड सो डोंट वरी अबाउट इट आपने ग्रेजुएशन कौन सी की हुई है कहां से की हुई है दैट वुड नॉट बी एक्चुअली अ प्रॉब्लम फॉर यू सिंपल है मेट्रिकुलेशन आपका इसके अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है तो यू ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस आई एम अगेन रिपीटिंग यू माइट नॉट वॉन्ट दिस जॉब और कुछ आप में से चाहते हो कि सर ये जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा बट फॉर्म सारे के सारे फिल कीजिए टू चेक यूर यूर सेल्फ अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन ये मेट्रिकुलेशन का एग्जाम है ठीक है यानी आपके अंदर अब ये एग्जाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड पर और सारे के सारे पूरे के पूरे इंडिया में होगा जो जो मेजर सिटीज हैं आपके पास वहां पर एग्जाम का एग्जामिनेशन का सेंटर मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको रिमोट लोकेशन पे जाना है या किसी मेट्रो पर जाना पड़ेगा ऑल पैन इंडिया ये एग्जाम होता है अब यहां पर इसकी एज है मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 इयर्स ठीक है जनरल कैटेगरी की है उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है उनको किसी प्रकार का थोड़ा सा एज में कंसेशन होगा बट यू गेट दी एग्जैक्ट आइडिया अगर एस सी और या एस टी कैंडिडेट्स है तो उनको पाँच साल तक का कंसेशन uh, है यानी कि थर्टी फाइव तक का दिया जा सकता है और अदर बैकवर्ड क्लासेज के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनको तीन साल का Concession होता है एज के अंदर सो so, 18 से 30 साल एंड आई बिलीव आप सबके सब 18 से 30 साल के बीच में ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो एवरी वन इज एक्चुअली एलिजिबल फॉर राइटिंग दिस एग्जाम अब द गुड पार्ट देखिए जो सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम की हम जाते हैं सीधा सिलेबस के ऊपर ठीक है इस एग्जाम का जो स्कीम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन आई एल एक्चुअली टेल यू व्हाई वी आर हियर टुडे देखो एग्जाम है मेट्रिकुलेशन जिस जो इसकी आपकी क्वालिफिकेशंस uh, रिक्वायर्ड है अब एग्जाम होगा सौ नंबर का जिसमें सौ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हंड्रेड मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नाउ दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट सेक्शंस चार सेक्शंस हैं एक जनरल नॉलेज का है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे एक मैथमेटिक्स का है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे एक साइंस का है जिसमें पच्चीस क्वेश्चन होंगे एक सोशल साइंस का है जिसमें पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन होंगे राइट बहुत आसान है ये तो सरल बात है और जो टोटल टाइम है इसमें हमको डेढ़ घंटे करने का मौका मिलता है उटाम है, है. है तो करते हैं या नहीं देना चाहिए वेल दिस इट बी स्लाइटली डिफरेंट वाई बिकॉज वी ऑल विल बी गिविंग दिस एग्जाम एंड या तो हम ये एग्जाम क्लियर करके जॉब लेंगे एंड दैट वुड एक्चुअली वर्कअप एज अवर बैकअप प्लान एल्स वी विल एक्चुअली टेस्ट कि हमारी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो चल कैसी रही है अब यहां पर हम फोकस करते हैं हमारे इस एग्जाम के अंदर चार सेक्शन है जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस द गुड थिंग इज दैट कि ये सारे के सारे टेंथ लेवल के होते हैं सो डोंट वरी सर मैथमेटिक्स तो सर बड़ा डाइसी है मेरा उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है यू कैन एक्चुअली हैंडल इट एंड इफ यू कांट यू शुड एक्चुअली गिव इट टू फिगर आउट की बेसिकली कहां पर कमियां हैं अब मैं आपको इसका एक सिलेबस बताता हूँ जो कि बहुत ही सरल सिलेबस है देखिए जनरल नॉलेज के जो पच्चीस क्वेश्चन आएंगे दे वुड बी रिलेटेड टू दी करंट इवेंट्स इंडिया के हिस्ट्री कल्चर जोग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिसी एंड दी साइंटिफिक रिसर्च से बेस्ड पच्चीस क्वेश्चन आते हैं एंड दे आर वेरी इजी अगर आपने बहुत थोड़ी सी भी सीरियस प्रिपरेशन की हुई है मैथमेटिक्स में मैट्रिक लेवल तक के नंबर सिस्टम अर्थमेटिक अल्जेब्रा जोमेट्री मेन्जोरेशन ट्रिग्नोमेट्री और स्टेटिस्टिकल चार्ट्स के ऊपर ओके हम आपको साथ इसके साथ में टेलीग्राम पर लास्ट ईयर का एक पेपर सेट पेपर इसका जो लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आई शेयर दैट सो यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड साइंस में भी मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है फिजिकल केमिकल सब्सटेंसेस पे वर्ल्ड ऑफ लिविंग विच इज बायोलॉजी नेचुरल फिनोमेना विच इज मोर लेस जोग्राफी और इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इजिएस्ट पार्ट वन जो कि सोशल साइंस है सोशल साइंस में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से एसोसिएटेड यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी इंडिया की पॉलिटी से एसोसिएटेड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है ऑफ दी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेक्नीशियन एग्जाम का अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं टुडे वी विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन वन ऑफ दिस सेक्शन हम आज का हमारा उद्देश्य है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है जिसमें अराउंड पाँच से दस क्वेश्चन आते हैं जो कि सबसे आसान होंगे आपके लिए करने के लिए क्यों क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो उसके अंदर बहुत हाई लेवल की कॉन्सेप्चुअलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है जस्ट बेसिक फोकस्ड uh, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी सो यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी इजीली। तो ये जो सीरीज है हम जो आपके साथ मैं अगले पांच से आठ लेक्चर तक बना रहूंगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेक्नीशियन एग्जाम के जो कि 25 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाला है हवेवर इसके साथ साथ मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपने स्टडी आई क्यू की वेबसाइट देखी होगी यू शुड एक्चुअली चेक आउट विच इज अ वेरी अमेजिंग वेबसाइट देखिए आपने होपफुली फॉर नाउ आपने उसका बुक मार्क सेट किया होगा राइट सो वेन यू क्लिक ऑन द बुक मार्क आपके सामने स्टडी आई क्यू की वेबसाइट खुल जाएगी एंड दिस इज एन एब्सोटली ब्रिलियंट वेबसाइट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ट आउट एट आई एम फ्रेक डिट एट अच्छा उसके वहां पर जैसे ये जो सर्च बार है यहाँ पर आप सिंपल जाइए और आईसीए आर टाइप कर दीजिए जैसे ही आप आईसीएर टाइप करेंगे आपके सामने दो एग्जाम आ जाएंगे एंड वी आर डीलिंग विद आईसीआर टेक्निशियन अब आई टेक्नीशियन का जो ये एग्जाम का वीडियो है दिस इज एक्चुअली फॉर दर्टी फाइव हंड्रेड लेकिन ये बात ध्यान से सुनो ये सिर्फ पैंतीस सौ रुपये का जो कोर्स है इसके अंदर हमारे पास सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट वीडियोज़ हैं यानी कि मैंने अभी अभी आपको जो सिलेबस दिखाया द सिलेबस विच वी सॉ रिलेटेड टू द हिस्ट्री कल्चर जोग्राफ़ी इकोनॉमिक साइंस जनरल पॉलिसी साइंटिफिक रिसर्च मैथेमेटिक्स का साइंस का और सोशल साइंस का उसको अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड स्टडी आईक्यू को पता नहीं है कि सर ही खोल के बैठे हैं तो वो मुझे भी बेसिकली दे आर टेलिंग मी दैट द कोर्स इज आर डिस्काउंटेड करंट अफेयर्स के मैथमेटिक्स के डिजास्टर मैनेजमेंट के संतोष मैम ने कराए हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीति मैम के और वर्ल्ड के प्रीति कौशिक मैम के जो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं मोर देन सिक्स हंड्रेड अवेलेबल हैं सो वी कैन गारंटी यू वन हंड्रेड परसेंट श्योर की जो आईसीएर वाला जो ये एग्जाम है आई आई का टेक्नीशियन का जो एग्जाम है इस एग्जाम के जितने भी सौ के सौ क्वेश्चंस होंगे इफ यू कैन डू दिस कोर्स क्लियरली तो आपके सेवेंटी फाइव से ऊपर मार्क्स आएंगे ही आएंगे जिसकी कट ऑफ फिफ्टी से फिफ्टी फाइव के बीच में जाती है सो so, राइट नाउ यू हैव एन एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ यू विच कैन एंश्योर आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को चेक कर सकती है एंड यू कैन गिव अ गुड एग्जाम जिससे आपको पता चलेगा कि येस आपके पास कैपेसिटी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए सो so ये दोनों की दोनों चीजें स्पेसिफिकली मैं आपको फिर से बता रहा हूं जस्ट गो ऑन दी स्टडी आई की वेबसाइट और वहां पर आईसीए टेक्नीशियन सर्च कीजिए यू विल गेट दिस कोर्स इस कोर्स के अंदर सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर किया गया है ठीक है सो इन केस यू आर इफ यू हैव टेकन दिस कोर्स अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस करते हो देर आर क्विज और लेक्चर नोट्स साथ ही में अवेलेबल है सो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा वी विल बी यू विल ओनली बी नीडिंग एटलीस्ट अ फोकस्ड वर्क ऑफ वन मंथ एक मंथ में वीडियो देखो क्विज करो लेक्चर नोट्स है उनसे नोट्स नोट नोट बना के पढ़ो एंड गो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी को ये जाकर एग्जाम दे के आइए अब जो ये एग्जाम दोगे उससे बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी आपकी जो पुरानी और किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी हेल्प मिलेगी इट विल बी ए काइंड ऑफ ए टेस्टर्न एक ड्रेस रिहर्सल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सो डू नॉट लीव दिस एग्जाम दस जनवरी लास्ट डेट है होपफुली आप सबके साथ सब फॉर्म आज ही भर देंगे जितने भी जरूरी है एंड गो एंड गेट दैट कोर्स इट एज इज इट जस्ट अली थर्टी फाइव हंड्रेड कोर्स आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा एंड दोज कोर्सेज विल एक्चुअली हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम विच यू हैव बिल लुकिंग फॉर अब हम आते हैं जो सोशल साइंस के पच्चीस क्वेश्चन है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का ठीक है सो वट आई ला कि हम आपके साथ YouTube पे जुड़ेंगे मैं आपके साथ इस YouTube पे एक सीरीज कराऊंगा डिजास्टर मैनेजमेंट की ताकि हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन भी होता रहे कमेंट्स में आप उससे बात भी कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं बट जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के पाँच से दस क्वेश्चन आएंगे हमारे इस एग्जाम में आई वाले वो इस पाँच से आठ लेक्चर्स की सीरीज में आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी सो लेट्स बिगिन द लेक्चर फ्रॉम द टुडे डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर आईसी ए आर ए आई

मतलब इसको नेचर के इतने जो पावरफुल फोर्सेस हैं इफ़ यू लुक एट इट पूरे के पूरे बाढ़ में पूरे के पूरे शहर के शहर गांव के गांव बेसिकली सारे के सारे डूब जाते हैं यू मस्ट हैव सीन कि डिज़ास्टर बेसिकली ह्यूमन लाइफ का डिज़ास्टर एज इन द नेचुरल डिज़ास्टर और आर्टिफिशियल दोनों में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं जो डिज़ास्टर होता है वो ह्यूमन लाइफ की एक रियलिटी है जो कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हो सकती है अब देखो कहीं पर हम जो बड़े बड़े जहाज़ हैं जिनमें ऑयल लेकर जाते हैं अगर वो समुद्र में फैल जाता है तो कई मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स के जो एरिया है वहाँ पर तेल फैल जाता है उससे वहाँ की जो मरीन लाइफ होती है जो वाइल्ड लाइफ होती है उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट आता है एंड देन दीज काइंड ऑफ मैसि वॉलोज जब ये फटते हैं तो आस पास रहने वाले कई सौ किलोमीटर कई हज़ार किलोमीटर तक इनका ऐश इनकी पॉल्यूशन इनका इम्पैक्ट आता है एंड दीज काइंड ऑफ मैसि वाइल्ड फायर्स जो कि कई महीनों तक जलती हैं कई हज़ारों एकड़ तक के जो फॉरेस्ट को जला देती है वे द पॉइंट हेयर इज़ देट कि ये जो इतनी सारे मैसिव जिनसे ह्यूमन लाइफ और वाइल्ड लाइफ नेचुरल लाइफ पर इंपैक्ट पड़ता है ये जो इवेंट्स होते हैं इनको कहते हैं डिजास्टर यानी कि किसी प्रकार की आपदा अब ये आपदा दो प्रकार की हो सकती है अगर आप देखोगे ये जो आपदा है ये एक मैन मेड डिजास्टर है राइट रियल लाइफ में नेचुरल लाइफ में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि इंसानों ने शिप बनाई है उसके ऊपर ऑयल भरा हुआ है और वो किसी प्रकार से ह्यूमन गलती की वजह से लीक हो गया है एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड एज ए मैन मेड डिज़ास्टर बट देन देर आर सर्टेन डिजास्टर लाइक दीज काइंड ऑफ वाइल्ड जो कि ह्यूमन्स के द्वारा नहीं बनाई जाती है परंतु नेचुरली नेचर में ऑटोमेटिकली खुद ही पाई जाती है जिनको कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर अब ये जो नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स है इससे हम ह्यूमंस की लाइफ बहुत तरीके से इफेक्ट होती है जान भी जाती है और जो uh, माल होता है उसकी भी हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई बिकॉज लिविंग इन सोसाइटी इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी आपदा का प्रबंधन ऐसे डिजास्टर जब ह्यूमन्स फेस करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऑर्सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की डिजास्टर मैनेजमेंट में हाउ डज गवर्नमेंट हैंडल दीज बिग थिंग्स अभी पिछले दो साल से यू आर गोइंग थ्रू अ पैंडमिक जिसका नाम है कोविड पैंडेमिक नाउ दिस कोविड पैंडेमिक इज अ डिजास्टर इट्स अ नेचुरल डिजास्टर यस देर आर सम थ्योरीज कि चाइना ने इसको लैब में बनाया है बट टिल द टाइम अगर ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक हम इसको एक नेचुरल डिजास्टर मानेंगे राइट right? अब जो ये नेचुरल डिजास्टर लगातार दो साल से एंड यू यू ऑल्सो कैन रियलाइज कि कैसे लाइफ इम्पैक्ट हुई है थ्रू दिस वायरल डिजास्टर उसी प्रकार से आपने बाढ़ आने पे भूकंप आने पे सुनामी आने पे वॉलकैनों फटने पे लैंडस्लाइड आने पे बहुत तेज़ बारिश आ जाने की वजह से इन सब चीज़ों की वजह से लाइफ कैसे इफ़ेक्ट होती है ये आपने पहले भी न्यूज़ में मूवीज़ में पर्सनली कहीं ना कहीं पर एक्सपीरियंस किया है नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन कौन से फेसेट होते हैं सबसे पहले एक सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बात की होनी चाहिए कि, कि कितने डिजास्टर हो सकते हैं कैसे कैसे डिजास्टर हो सकते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट government, कैसा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है डिजास्टर के अंदर जैसे गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की होती है कहीं मोनार है कहीं पर रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट है तो इसी सिस्टम के अंदर हमने कहीं ना कहीं पे आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम बना रखे हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अब द गुड थिंग एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ इन पाँच से छः हेडिंग्स के अंदर पढ़ना होता है जिसके अगर इनको कर लिया तो हमारा ICAR टेक्नीशियन में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा विच वी शैल नॉट बी एबल टू डू देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिजास्टर क्या होता है हेजर्ड रिस्क वर्नरेबिलिटी और डिजास्टर की क्लासिफिकेशन क्या होती है मतलब कि द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड विद द डिजास्टर आपदा के साथ डिजास्टर के साथ एसोसिएटेड जो जो, जो आ, वर्ड्स हैं जो जो इश्यूज़ हैं भाई ये हैजर्ड अब ये जो हैजर्ड वर्ड है ये हमेशा डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा बट आखिर इस चीज का मतलब क्या है वर्ल्नरेबिलिटी अब वलनरेबिलिटी का जो वर्ड है ऐसी कौन सी जगह है जो डिजास्टर के लिए ज्यादा वर्नरेबल है देखो सिंपल है ना सुनामी दिल्ली में तो नहीं आ सकती है लेकिन चेन्नई में आ सकती है तो इसका मतलब चेन्नई इज मोर वर्नरेबल टू सुनामीज़ डिज़ास्टर तो अलग अलग जो ज़ोग्राफिकल एरियाज होते हैं दोज आर डिफ दोज हैव डिफरेंट वलनरेबिलिटी टू तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स तो ये बात को समझना ज़रूरी है और जैसे ही हम समझेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में किस जोग्रफिकल एरिया में कैसा नेचुरल डिज़ास्टर आने की ज़्यादा संभावना है कोस्टल एरिया होगा तो सुनामी आने की संभावना होगी अगर पहाड़ों का एरिया है तो भूकंप से ज़्यादा खतरा हो सकता है अगर रेगिस्तान का एरिया है तो सूखा जान ज़्यादा होने की समस्या है अगर कोई रिवर वैली है तो वहाँ पर बाढ़ आने की ज़्यादा समस्या हो सकती है सो तो अलग अलग एरियाज़ पर इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डिज़ास्टर ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं अब जैसे ओडिशा में या फिर वेस्ट बंगाल में साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं परंतु ऐसा साइक्लोन आपको कभी पंजाब में नहीं मिल सकता है क्योंकि पंजाब समुद्र के पास नहीं है लैंडलॉक्स स्टेट है सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि पहले जब हम पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के डिजास्टर हैं अलग अलग क्लासिफिकेशंस हम बहुत कॉमन सेंस के साथ लॉजिकली ये भी गेस कर पाएंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर भारत में किस स्टेट में किस जोग्राफिकल एरिया में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जहाँ पर पानी की कमी होगी वहीं पर तो ड्रॉट आएगा और जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहीं पर फ्लडिंग होने की संभावना है बिल्कुल सही है एंड देन मोर इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया भारत में भारतीय पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उस एक्ट के तहत हमने एक आपदा प्रबंधन का पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल लोअर लोवेस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल होम मिनिस्ट्री तक का एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है सो वेन यू आर स्टडी डिजास्टर मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग दिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दॉपिक क्योंकि ये समझ जाएंगे, इसको हमें इसलिए भी समझना पड़ता है क्योंकि आप जब किसी भी प्रकार की जॉब लेते हैं तो इस जॉब के अंदर आप कहीं ना कहीं पर फिट होंगे हमारी सारी सोसाइटी में से हर ह्यूमन बीइंग डिजास्टर से इफेक्ट होता है तो जब कोई डिजास्टर किसी सोसाइटी को किसी प्लेस को हिट करता है तो एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू नो कि डिजास्टर के समय में क्या करना है किसको अप्रोच करना है कैसे मदद होगी और यह बात जानना जरूरी है एंड दैट इज वाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वॉन्ट यू टू लर्न अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो हमने इंडिया में सिस्टम बना रखा है ऐसा इंटरनेशनल भी है बट बहुत ही छोटा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस या फिर कोई और इंटरनेशनली फ्रेमवर्क्स क्या क्या बने हुए हैं डिजास्टर से रिलेटेड एंड देन अलग अलग जो एक और सारे बचे हुए टॉपिक कि कम्युनिटी का क्या रोल है सोशल मीडिया का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से के साथ इंटरट्वाइंड है क्योंकि जैसे जैसे बदलाव हो रहा है क्लाइमेट के अंदर जो डिजास्टर वाले जो इंसिडेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं राइट क्लाइमेट चेंज होगा तो सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी होगी गर्मियाँ ज़्यादा गर्म हो रही हैं सूखे ज़्यादा पड़ रहे हैं बाढ़ ज़्यादा आ रही हैं तो दैट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल इंटरट्वाइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट से तो वो क्या रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे एंड हाउ पॉवर्टी आप देखिए कि डिजास्टर जब भी कहीं आता है कहीं भी किसी प्रकार की आपदा आती है तो जो सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट करते हैं वो पॉवर्टी वाले लोग ही उनको ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है उनके घर टूट जाते हैं दे डोंट हैव मनी टू बाई फूड और हेल्प सो वी विल अंडरस्टैंड बस ये टोटल पाँच सेक्शंस हैं जो कि हम पांच से छह लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हमारे आईसीएर टेक्नीशियन के एटलीस्ट जो पांच से दस डिजास्टर मैनेजमेंट पे टॉपिक्स पे कोई पर आएगा वी शैल बी एक्चुअली एबल टू डू दम वेरी वेल इसके अलावा आपके पास मैं आपको बता रहा हूं यू शुड डेफिनेटली चेक चेक इट आउट कि स्टडी आईक्यू पे जो ये आईसीएर टेक्नीशियन वाला कोर्स है इसके अंदर गौरव सर की क्लासेस हैं विपन सर की क्लासेस हैं वासुदेव सर की क्लासेस हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली देर इज complete coverage of the syllabus even if you are not planning you should check this out you should check this out exam absolutely surely just to test yourself pata to chale ki kitni mehnat kar sakte hain let's start with the main topic today theek hai aaiye introduction to disaster management मैं बता देता हूं आपको इस series में हम क्या करेंगे Disaster क्या होता है hazard क्या होता है vulnerability क्या होती है risk क्या होता है ये सारे, ये सारे के सारे डेफिनेशंस क्योंकि जैसे ही आप डिजास्टर का टॉपिक पढ़ेंगे ये सारे सारे के शब्द यूज होने लग जाएंगे and you need to understand all of that. Capacity क्या होती है है को classify कैसे किया जाता है? मतलब किस किस प्रकार से कोई कोई को, लैंड का डिजास्टर होगा कोई एयर का डिजास्टर होगा कोई वाटर का मरीन डिजास्टर होगा सो हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल क्या होती है ये हमारा सबसे पहले मेन टॉपिक होगा एंड दिस विल एक्चुअली अ बेस जो कि हम पूरा का पूरा उसके बाद के सारे के सारे सारे लेक्चर्स इसी बेस के ऊपर कहीं ना कहीं बनाते चलेंगे लेकिन ये खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है कि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था एक पॉलिसी है 2019 की उसके बाद एक मैनेजमेंट का प्लान है दो का और यहाँ पर किस प्रकार से जब भी कोई डिजास्टर होता है इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द डिजास्टर राइट एंड देन नेचुरल हैजर्ड इन इंडिया हैजर्ड और डिजास्टर की क्या रिलेशनशिप है अभी हमें पांच मिनट में पता चलने वाली है बट इंडिया का वलनरेबिलिटी प्रोफाइल यह मैं अभी वही बता रहा था वलनेबिलिटी प्रोफाइल का मतलब कि इंडिया का कौन सा जोग्राफिकल एरिया कौन से डिजास्टर के लिए ज्यादा वल्नरेबल है सो मुंबई इज मोर वलनरेबल टू सुनामी एंड डेली इज मोर वलनरेबल टू अर्थक्विक इन रिलेटिव राइट डिजास्टर तो अर्थ को एक कहीं पर भी स्टक कर सकता है बट एज फार एज जो सुनामी है वो सिर्फ कोस्टल एरियाज पे स्टक कर सकती है साइक्लोन्स जो है वो सिर्फ कोस्टल स्टेट्स को स्टक कर सकते हैं लैंडस्लाइड जो है वो प्राइमरली सिर्फ माउंटेनियस एरियाज में होंगे ये प्रोफाइल हमको बेसिकली पढ़ना है और फिर जो डिजास्टर दो प्रकार के होते हैं एक तो नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि सुनामी अर्थक्वेक वॉल एंड देन देर आर मैन मेड डिजास्टर जैसे कि चरनोबिल हो गया न्यूक्लियर डिजास्टर्स जो हो जाते हैं गैस कोई कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स जो हो जाते हैं और ये दोनों मिल भी सकते हैं जैसे कि किसी सुनामी की वजह से किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम हो गई तो एक तो नेचुरल डिज़ास्टर था और फिर मैन मेड जो चीज़ें थी सो दे दे आर कैन इंटरेक्ट ऑल्सो और वो और ज़्यादा बड़ा नुकसान कर सकते हैं इसके बाद फिर हम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसीज के भारत की पार्टनरशिप है इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव हैं डिज़ास्टर में वर्ल्ड लेवल पर और हमने अलग अलग देशों के साथ किस प्रकार के बायोलिटरल अग्रीमेंट किए हैं एंड देन फाइनली जो भी बच्चे हुए हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक होंगे वो तो हम इस सीरीज के साथ कर देंगे नाउ लेटेस्ट डू द फर्स्ट टॉपिक डिजास्टर को डिफाइन करते हैं Hazard, और रिस्क ये क्या होता है कैपेसिटी क्या होती है और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है ये तीन चीजें आज आपको समझनी है और अगर आप ये तीन चीजें समझ गए तो इसका मतलब यू आर वेल प्रिपेयर टू लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट चलिए अब ये सरल सी डेफिनेशन है डिजास्टर क्या होता है एक डिसरप्शन होती है जो कि कम्युनिटी या सोसाइटी में किसी भी प्रकार के डिसरप्शन जिससे मटेरियल इकोनॉमिक सोशल या एनवायरमेंटल लॉस हो जो यूजुअली खुद के रिसोर्सेस से नहीं हैंडल किया जा सकता ओके okay? एक बेसिक डेफिनेशन डिजास्टर होता क्या है क्या होती है आपदा पैंडमिक अगर आया था और इसको डिजास्टर कहते हैं तो क्या था बेसिकली हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी की जो बेसिक लाइफ थी वो इतनी डिसरप्ट हो गई मटेरियल लेवल पर इकोनॉमिक लेवल पर सोशल लेवल पर और इवन एनवायरमेंटल लेवल पर कि इंडिविजुअली हम उसको हैंडल नहीं कर सकते थे किसी न किसी प्रकार का जान का ह्यूमन लाइफ का वाइल्ड लाइफ का और मटेरियल नुकसान होता है जब कोई भी आपदा किसी प्रकार से किसी भी सोसाइटी या किसी भी प्लेस के ऊपर स्टक करती है एक बात ध्यान रखिए एक इवेंट Uh, जिससे वॉलैनो का फटना है ठीक है अगर वॉलकैनो फटा और उससे किसी की भी लाइफ में ह्यूमन लाइफ में या एनिमल लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ा देन इट इज नॉट डिजास्टर डिजास्टर का मतलब है ह्यूमन के रिलेशन में क्योंकि सैटरन के ऊपर कोई तूफान आया हुआ है तो उससे ह्यूमन लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम ये नहीं कहते कि सेटरन पर डिजास्टर चल रहा है इस समय द डिजास्टर इज कंसिडर्ड जब किसी तरीके से सोसाइटी या कम्युनिटी की लाइफ इफेक्ट हो अगर रेंडमली कहीं पर भूकंप आ रहा है मंगल ग्रह पर कोई भूकंप आया कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि उससे ह्यूमन लाइफ को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है अगर अर्थ के ऊपर कोई नेचुरल इवेंट है और उससे ह्यूमन लाइफ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है दैट इज नॉट ए डिजास्टर डिजास्टर होने के लिए ह्यूमन लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट होना जरूरी है सो तो एक अनडिजायरेबल अकरेंस है जो अर्थक्वेक है अगर वो आता है और उससे हमें कोई नुकसान नहीं है देन वी डोंट हैव इशू हमें प्रॉब्लम तब है जब वो अनडिजायरेबल है जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है और यूजुअली बिना या तो बहुत छोटी सी हमें सुनामी का पता चलता है एक घंटे पहले भूकंप का तो हमें दस सेकंड पहले भी नहीं पता चलता नो वार्निंग से आते हैं जिससे डिसरप्शन होती है ह्यूमन लाइफ की और बड़ी सारी सी प्रॉपर्टी डेथ इंजरी यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पीपल और उसकी वजह से जब उसको हैंडल करना पड़ता है तो जो नॉर्मल लाइफ में जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है इस चीज़ को कहते हैं डिजास्टर अब डिज़ास्टर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से कॉज होते हैं <coughs> उसके बाद देर आर सम एक्टिविटीज़ जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर या फिर वॉर ऑल्सो सी जो हमने एनवायरमेंट पे छोड़े थे जिससे ओजोन होल बन गया था ये सारी की सारी चीज़ें हैं ग्रीन हाउसेज जो बढ़ रही हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो बढ़ गया है एनसीआर में रहने वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे कि राइट नाउ देर गोइंग थ्रू डिजास्टर सांस नहीं आती है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमेशा 400 से ऊपर रहता है जो ये सब के सब है ये ह्यूमन एक्शंस के द्वारा बनाए गए हैं तो एनी सिचुएशन एनी अनडिजायरेबल सिचुएशन क्रिएटेड बाई ह्यूमन इज अ ह्यूमन डिजास्टर जो नेचुरली हो रही है वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं अब यहाँ पर जो नेचुरल डिज़ास्टर अगर हम देखें सेवरल डिज़ास्टर जो कि बड़े बड़े हैं अगर हम देखेंगे तो अर्थक्वेक और साइक्लोन्स जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अर्थक्वेक्स या सुनामी ये वो डिज़ास्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर होते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं जब एक अर्थक्वेक हिट करता है तो कई हजार किलोमीटर का एरिया तहस नहस कर सकता है इंडीड अगर किसी शहर के नीचे बिल्कुल उसका फोकल पॉइंट हो द होल सिटी वुड बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और उस सिटी की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो सकती है द सेम थिंग हिट्स अ सिटी तो वो पूरा का पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अब हम बात करते हैं डिजास्टर डैमेज वर्सेस डिजास्टर इंपैक्ट की दर इज ए फर्क होता है डिजास्टर जो डैमेज करता है और जो डिजास्टर का एक्चुअल इंपैक्ट होता है दर इज ए स्लाइड डिफरेंस इन डिजास्टर डैमेज का मतलब है जो कि उस समय और इमीजिएटली आफ्टर डिज़ास्टर हुआ ठीक है लज से कि आज साइक्लोन किसी सिटी पे हिट करता है तो वो पोल तोड़ देता है इलेक्ट्रिसिटी पोल तोड़ गए लाइट चली गई है बिल्डिंग्स को उड़ा दिया है पेड़ गिरा दिए गए हैं रोड खराब हो गई हैं गाड़ियां खराब हो गई हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड डिज़ास्टर डैमेज यानी कि जो इवेंट के इमीजिएटली समय या उसके इमीजिएटली बाद का जो डैमेज हुआ है उस चीज़ को ये यूजुअली फिजिकल यूनिट्स में काउंट होता है एंड डिस्क्राइब इज द टोटल और द पार्शियल डिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फिजिकल एसेट्स ठीक है डैमेज का जो ये वर्ड है ये प्राइमरली स्पीकिंग इज रिलेटेड विद द फिजिकल एसेट्स हमारी गाड़ियाँ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स गिर जाते हैं उनसे स्पेसिफिकली इम्पैक्ट एक्चुअली में इज ए मच मोर कॉन्सेप्चुअल आइडिया ठीक है ये ऑब्जेक्टिव है डिजास्टर डैमेज में आपने सुना होगा इस अर्थक्वेक के आने की वजह से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक असेसमेंट लगाया जाता है तो इट्स ऑब्जेक्टिव क्यों क्योंकि वो फिजिकल असेसमेंट को काउंट कर रहे होते हैं इंपैक्ट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच मोर कॉन्सेप्चुअल आइडिया जहां पे इकोनॉमिक लॉसेस अब गाड़ियां टूटी हैं पोल टूटे हैं तो कई दिनों तक काम नहीं होगा उनको रिपेयर करना पड़ेगा और बाई चांस से कोई इकोनॉमिक गेंस यूजली नहीं होते बट उनके हिसाब से होते उसको काउंट करते हैं दिस ह्यूमन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिससे सपोज़ कीजिए कि फ्लड आ जाती है अब फ्लड एक दिन का इवेंट नहीं है फ्लड कई दिनों तक रहती है कई हफ्तों तक रहती है फ्लड होगी तो उससे कई बीमारियां भी फैल सकती हैं और जो वो बीमारियां किसी पैंडमिक में या एंड किसी उसमें बदल जाएं कि वहाँ पर कई सारे लोगों को कई गांवों में फैल जाए तो वो एक डिज़ास्टर का इम्पैक्ट कई महीनों छः महीनों तक इम्पैक्ट हो सकता है तो डेथ इंजरी डिजीज़ जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ह्यूमन फिजिकल या मेंटल हेल्थ के ऊपर उन सारी चीज़ों को मिलाकर डिजास्टर का इम्पैक्ट कहा जाता है ए डिज़ास्टर इज़ अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड वलनरेबिलिटी एंड इनसफिशियंट कैपेसिटी टू रिड्यूस दी पोटेंशियल चांसेस ऑफ रिस्क तो इस शब्द को ध्यान से सुनेंगे कि डिजास्टर जो है वो हजार्ड प्लस वलनरेबिलिटी प्लस जो कैपेसिटी के अंदर कमी है ठीक है जैसे कि अगर आपके पास एक गाड़ी आपके पास एक गाड़ी है दस लाख की गाड़ी है और आप उसको सही कराने के लिए आपके पास पैसे सिर्फ दस हज़ार है तो यानी उसका आप सिर्फ दस हज़ार की डैमेज का कैपेसिटी रखते हो लेकिन अगर आपके पास एक लाख रुपए हैं तो आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है उसके डैमेज को सहने की और वही सोसाइटी में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है डिजास्टर की तरफ रिस्पोंड करने की अब हम देखते हैं कि ये हैजार्ड और जो वल्नरेबिलिटी है ये होता क्या है जार्ड या डिजास्टर में कुछ फर्क है या ये सेम वर्ड है देखिए हेजार्ड जो होता है नेचुरल हेजार्ड वो सरकमस्टेंसेस होते हैं एनवायरमेंट में जिनके पास पोटेंशियल है हार्म करने का लोगों को या प्रॉपर्टी को ये कभी कभी परमानेंट एस्पेक्ट होते हैं रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट के जैसे कि ओशियन में करंट है स्टीप स्लोप है या अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर यानी कि परमानेंट चीज होगी ठीक है होगा वहीं पर उस जगह को बदला नहीं जा सकता है hazard, खुद में डिजास्टर नहीं है बट डिजास्टर होने की संभावना को दर्शाता है समझे जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं एज कंपेयर टू नेचुरल हेजार्ड नेचुरल डिजास्टर्स आर सडन एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ न बी क्लास्ट एस डिजास्टर वैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज कॉज बाई तो डिजास्टर का मतलब सिर्फ ये होता है जब डिस्ट्रक्शन और डैमेज एक बहुत ज्यादा स्केल पर हो लेकिन हैजार्ड क्या है इस चीज को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं है एक थ्रेट होता है, है डेंजरस फिजिकल कंडीशन और एन इवेंट जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ आप समझ में आएगा हिमालय के पहाड़ों पर अगर आप कभी गए हैं तो वहां पर जो रोड रोड के ऊपर आप चलते हैं तो किसी भी समय ऊपर से पत्थर गिर सकता है कई कई जगहों पर ऐसे रोड्स होते हैं कई जगहों पर पहाड़ इस तरीके से ऐसे कमजोर होते हैं पत्थर गिर सकता है या लैंडस्लाइड हो सकती है तो ये जो लैंडस्लाइड होना या पत्थर गिरने वाली जो बात है इसको कहते हैं है है जरूरी तो नहीं है पत्थर गिरेगा आप गए हैं इतनी बार वहां पर हर बार पत्थर नहीं गिरता है बट देयर रिमेन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड तो हैजार्ड है इट्स ए थ्रेट

फ्लड्स कई जगह पर आती हैं कई बार वॉल्केनिक इरप्शंस रेगुलरली होते रहती हैं लैंडस्लाइड्स होती हैं सूखा भी पड़ जाता है जब तक ये ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट नहीं करेंगे वी विल कॉल ऑल दीज थिंग्स एज

अगर फ्लड एक इवेंट बन जाता है तब लोग इफेक्ट होते हैं गांवों गांवों को गाँगों के अंदर बाढ़ आ जाती है पक्ष, पशु बह जाते हैं घर टूट जाते हैं घर बह जाते हैं कॉन्सेप्चुअल so, आइडिया आ गया है, है का और क्या नाम है डिजास्टर का कई जगहों पर ओवरलैप करेगा ये ठीक है सो so, वॉलैनिक हो रही है तो है, है लेकिन जब तक कोई ह्यूमन लाइफ नहीं गई तब तक कोई ह्यूमन प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ तब तक इट बी प्रॉपर्टी का डिजास्टर डैमेज करता है प्रॉपर्टी को लॉस ऑफ लाइफ होता है ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को भी जब डिजास्टर आएगा तो काम तो कर ही नहीं पाओगे इट अफेक्ट्स टू द सच एन एक्सटेंड दैट एक्सटर्नल एड बाहर से एड लानी पड़ेगी सोसाइटी को वरना जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए एक सिंगल इंडिविजुअल ह्यूमन की जब लाइफ जाती है तो उसको डिजास्टर नहीं ट्रेजिडी कहा जाता है नॉट डिजास्टर रादर ट्रेजिडी क्यों उसको ट्रेजिडी इसलिए कहा जाता है क्यों क्योंकि उस इवेंट के जो अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको सोसाइटी इंडिविजुअल जितने रिसोर्सेज हैं उनसे हैंडल कर सकती है ठीक है बट एक साथ जब दस हजार लोगों की जान चली जाए किसी वजह से तो इवन सोसाइटी डज नॉट हैव स्टेट को एक्सटर्नली एड करनी पड़ती है हेंस लूजिंग टेन थाउजेंड पीपल एट वन टाइम इज अ डिजास्टर लूजिंग वन पर्सन एट वन टाइम इज बेसिकली अ ट्रेजिडी Allah, आप देखिए बीमारियों से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है हर साल होती है हर हर साल होती है परंतु जब कोरोना की वजह से एक साथ लाखों लोगों की मृत्यु होने लग गई देन इट द सेम थिंग जो वायरस है या बैक्टीरिया है जिससे रेगुलर डेथ्स हो रही हैं उसको ट्रेजिडी माना जाता था बट इकट्ठे जब लाखों लोगों की मृत्यु होने लग गई देन इट ए डिजास्टर एक डेंजरस सिचुएशन है जिससे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो सकता है डिजास्टर इवेंट है जिससे ह्यूमन लाइफ को डैमेज हो चुका है प्रॉपर्टी को डैमेज हो चुका है इसके, इसके तो यह बात ध्यान कि एक में किसी भी समय टर्न होने की संभावना रखती है अगर उसके लिए कुछ ना किया गया पहाड़ों पे जो दीवार पहाड़ों से जो पत्थर गिर रहे हैं जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं अगर हम उसको उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो किसी ना किसी आदमी की जान चली जाएगी किसी गाड़ी पर वो रुक जाएगा तो वह हैजार्ड डिजास्टर में बदल जाएगा अगर ऐसा हुआ तो अब वलनरेबिलिटी के बारे में समझते हैं वलनरेबिलिटी का मतलब ऐसी कंडीशंस चाहे वो फिजिकल हो चाहे सोशल हो इकोनॉमिक हो एनवायरमेंटल हो जिससे किसी भी कम्युनिटी की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है उस हैजार्ड से इम्पैक्ट बढ़ने की देखिए आप जिस भी एरिया में रहते हैं सपोज़ के लिए कि, कि इमेजिन करते हैं कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई ओके बाढ़ आ गई बाढ़ को वापस रिसने में कई दिनों का समय लगता है कई बार हफ्ते भी लग सकते हैं अब आप ये बताइए और इमेजिन कीजिए आप जो दूसरे तीसरे फ्लोर पर रहते हैं और आप का जो न्यूज़पेपर देने आता है या फिर जो कपड़े प्रेस करता है या फिर और जो लोग काम करते हैं एंड देन देर मस्ट भी somebody और बेटर देन यू आपसे जो थोड़े से इकोनॉमिकली वेल well भी होंगे तो इन सब लोगों में से पूरी सोसाइटी में से कौन बेहतर बच सकता है उस बाढ़ के इवेंट से तो यानी कि आप वलनरेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं एक आदमी जो कि गार्ड का काम करता है या फिर एक आदमी जो कि न्यूज़पेपर का काम करता है या फिर जो कपड़े प्रेस करता है दे आर वेरी वलनरेबल ऐसा कोई भी हेज़ारडस इवेंट हो गया तो और एक जो वेल टू डू है जो हो सकता है उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है कि वो शहर छोड़कर कहीं और भी चला जाए एक हफ्ते के लिए या उसका घर इतनी ऊंचाई पर है या फिर घर के अंदर इतने फ्लोर हैं कि वो खाना भी अच्छी तरह से दो तीन हफ्ते तक कर रख सकता है तो उसकी वलनरेबलिटी ज़्यादा अच्छी है बेसिकली ही इज मच मोर सिक्योर वल्नरेबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती है <coughs> एक तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी तो जो लोग गरीब हैं उनके पास अच्छी जगह पर सेफर एक्सपेंसिव घरों के तरीके नहीं होंगे तभी आप देखिए जब बारिश में मानसून में जब गलियों में पानी भर जाता है तो सबसे पहले जो झोपड़ी जो वाला एरिया होता है वहां पर उन लोगों को परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है पीपल हु लिव इन गुड होम्स या पॉश एरिया में रहते हैं वो उसको क्लीन करवा सकते हैं दे हैव दी एक तो इकोनॉमिक वलरेबिलिटी दूसरी फिजिकल अब फिजिकल में भी आप देखिए कि एक बच्चा और एक जो ओल्ड लेडी है दे हैव मच लेस अबिलिटी टू हैंडल अ डिजास्टर अगर वो किसी डिजास्टर की सिचुएशन में फंस जाएंगे तो उनके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं एंड सोशल वल्नरेबिलिटी फिजिकल और सोशल एसोसिएटेड है तो फ्लडिंग होती है तो बच्चे एल्डरली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे और फिजिकल वुडन होम्स आर लेस लाइकली टू कोलैप्स इन अर्थ कोल्नरेबल टू फायर अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वल्नरेबिलिटी से आप समझ गए होंगे बेसिकली मुद्दा क्या है रिस्क इज बेसिकली टू वलरेबिलिटी रिस्क इज इक्वल टू िटी इसको हम एग्जाम्पल के दोबारा देखते हैं ठीक है एक जगह पर हैजार्ड है फ्लड आने का ओके okay. फ्लड आने का वल्रेबिलिटी पे अब हम देखते हैं लेट्स से पुअर पर्सन पुअर पीपल जो है या फिर चिल्ड्रन ओल्ड पीपल जो अकेले रह रहे हैं वो भी उनके भी अलग से देर आर कुछ ओल्ड पीपल फैमिली के साथ रहते हैं दे आर मच मोर सिक्योर कुछ लोग अकेले रहते हैं ओल्ड पीपल और इसके अगेंस्ट एक और फ्लड इन टू बट इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वेल और यंग पर्सन और यू नो एज जो कि ट्वेंटी से थर्टी एज पे है यंग एज का अब इसके अंदर इन दोनों सिचुएशन में कैन यू आइडेंटिफाई कि किसका रिस्क ज्यादा होगा नहीं ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली बट फिर भी आसानी से पता चल जाएगा कि दीज पीपल विल फील हायर रिस्क तो समझे कि क्यों रिस्क हेजर्ड इन टू होता है रिस्क होता है ऑफ़ एक्सपेक्टेड अगर उस एरिया में जो हैजर्ड है वो पूरा का पूरा हैजर्ड अगर डिजास्टर में बदल गया रिस्क इज फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजार्डस इवेंट एंड लॉसेज जो होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजार्डस इवेंट का जैसे फिर दोबारा से रिपीट करो सुनामी जो है वो कोस्टल एरिया में ही प्रोबेबिलिटी आने की और उसकी प्रोबेबिलिटी हम अंदाजे लग एक साल में एक ही सुनामी आने की संभावना है तो उस हिसाब से हम परसेंटेज लगा सकते हैं एंड देन वी कैन काउंट कि भाई इस एरिया में कितने गरीब लोग रहते हैं कितने डिफरेंटली एबल्ड लोग रहते हैं कितनी फीमेल्स है कितने चिल्ड्रन है तो हम ईजीली किसी भी सोशल पॉपुलेशन का किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड रिस्क को निकाल सकते हैं एक सिंपल फॉर्मूला के द्वारा पे तो जो लेवल ऑफ रिस्क है वो हजर्ड के ऊपर डिपेंड करता है और अलग अलग प्रकार की वलनरेबिलिटी पे जिससे इकोनॉमिक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू उस एलिमेंट्स के तो हम जब ओल्ड पीपल की बात करते हैं अगर वो रिच हैं तो उनका रिस्क और कम हो जाएगा अगर वो फैमिली के साथ रहते तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा ओल्ड पीपल भी हैं पुअर भी हैं अकेले रहते हैं और उस एरिया में रहते हैं जहां पे फ्लड आने की संभावना भी ज्यादा है यानी हैजर्ड है वहां पर फ्लड का देन बेसिकली इट्स ए वेरी हाई रिस्क फॉर देन ये अब इसके कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे कैपेसिटी सो वी नो अबाउट दी हैजर्ड वी नो अबाउट दी वलरेबिलिटी एंड वी नो अबाउट दी रिस्क रिस्क इज बेसिकली वलनरेबिलिटी इनटू टू हेजर्ड कैपैसिटी ये होती है कि स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट रिसोर्सिस जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी या सोसाइटी के पास होते हैं जो कि डिजास्टर को रिड्यूस कर सकते हैं इस रिस्क को कम करने की कितनी कैपेसिटी है प्राइमरली ये इकोनॉमिकल होती है लेकिन स्किल्स भी, भी इस पर जरूरत है भाई अगर आप एजुकेटेड लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते हों किसी एरिया में एजुकेटेड लोग नहीं हैं तो फिर बेसिकली रिस्क को कम करने के लिए सोर्सेज स्किल्स uh, भी नहीं रिसोर्स uh, भी नहीं जुटा पाएंगे कैपेसिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन नॉलेज और स्किल सोशल रिलेशनशिप लीडरशिप और मैनेजमेंट ठीक है तो कैपेसिटी का मतलब यह है कि ओवरऑल इंडिविजुअल के हिसाब से और एक कम्युनिटी सोसाइटी के हिसाब से के पास कौन कौन से है? एक एग्जाम्पल देखो अंडमान निकोबार के ऊपर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है अब उस ट्राइबल कम्युनिटी के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस है दे सम ट्रेडिशनल नॉलेज लेकिन हो सकता है ह्यूमन नॉलेज इतनी ना हो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए लीडरशिप हो सकता है कई बार ना मैनेज कर पाए सो so, जिन सोसाइटी के पास ये होती है जब डिजास्टर हिट करता है दे आर वो लॉसेस को दोनों ह्यूमन और प्रॉपर्टी लॉसेस को कम कर पाते हैं सो कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसी एक्सरसाइज होती है कि हम सोसाइटी को और ह्यूमंस को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि इन केस जो हैजार्ड और वलनरेबिलिटी से बढ़ने वाले रिस्क हैं उस रिस्क को किस प्रकार से कम किया जा सकता है एवरी गिवन टाइम सो कोपिंग कैपेसिटी में वही लोगों की एबिलिटी होती है कि स्किल्स और रिसोर्सेज को यूज करके ये रिस्क और डिजास्टर को कैसे दूर रखा जा सकता है कितना दूर रखा जा सकता है और इन केस डिजास्टर हो गया है तो कितनी जल्दी हेल्प मिलेगी उन लोगों को यही चीज कहती हैं तो कोपिक कैपेसिटी कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ द डिजास्टर रिस्क अर्थ को एक आता है अगर हम आ, अच्छे इंजीनियर्स और अच्छे आर्किटेक्ट्स को लेके ऐसी बिल्डिंग्स बना सके जो कि अर्थक्वेक के आने पर ना गिरे तो हमने अर्थक्वेक के रिस्क को कम कर दिया है अपनी कोपिंग कैपेसिटीज के द्वारा दैट इज वट एग्जैक्टली थिंग अब हम ये जानते हैं कि डिजास्टर और रिस्क का क्या रिलेशन है नेचुरल डिजास्टर कि होते कितने टाइप के हैं विच इज मोर लेस एक्चुअली लॉजिकल बात है सबसे पहले तो एटमोस्फेयरिक यानी कि एयर से एसोसिएटेड जो कि अच्छा ये क्लासिफिकेशन जो है ये आपके दिमाग में पहले से एग्जिस्ट करते हैं यू कैन नेचुरली थिंक अबाउट इट सी ब्लिजर्ड थंड बिजली गिर रही है टॉर्नेडो साइक्लोन ड्रॉट हेल स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट हीट वेव्स जो आती हैं लू जो आ जाती है ठंडी वेव्स जो चलती हैं ये सारी की सारी है एटमोस्फेयरिक इसमें हो सकता था तुम ड्रॉट में कंफ्यूजन कर जाओ क्यों क्योंकि ड्रॉट तो ऐसा एसोसिएट होगा कि सर टेरेस्ट्रियल नहीं होना चाहिए बट ड्रॉट बेसिकली एक एटमोस्फेरिक फिनोमिना की वजह से होता है दो अगर ड्रॉट को टेरेस्ट्रियल भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा ओवरलैपिंग है एक डिजास्टर जो होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ नेचर में नहीं होता है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ हमेशा क्रॉस करेगा दूसरा टेरेस्ट्रियल अब अर्थक्वेक जो होते हैं अर्थक्वेक समुद्र में भी आते हैं बट उनसे ह्यूमन लाइफ इफेक्ट नहीं होती है और हमने देखा है कि डिजास्टर वही है जब ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा हो वॉलैनिक लैंड स्लाइड एवेलेंस अब एवेलेंस तो समुद्र में नहीं होगा लैंडस्लाइड भी समुद्र में नहीं होंगे सब्सिडेंस और सॉइल इरोजन तो ये जितने भी डिजास्टर हैं अब देखो सोइल इरोजन सिर्फ सोयल इरोजन क्या डिजास्टर होता है इट इज एन हैजर्ड लेकिन अगर उसकी वजह से बहुत मेजर एनवायरमेंटल लॉस हो गया उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा होने लग गए देन इट वुड बी डिजास्टर वैसे अगर कहीं पर हो रहा है इरोजन इज नेचुरल तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा जब तक नुकसान नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बट व्हेन इट स्टार्ट अफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ सेम चीज वुड बी कॉल्ड एज डिजास्टर एक्वेटिक तो आसान है फ्लड टाइडल वेव सुनामी ओशियन करंट्स की वजह से अब ओशियन करंट एक हैजर्ड है समुद्र में ओशन करंट्स नेचुरली हैं, उनको रोका थोड़ी ना उनको खत्म थोड़ी ना कोई कर सकता है बट जब उसकी वजह से किसी वजह से कोई शिप पलट जाए या फिर किसी वजह से ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को डैमेज हो द सेम थिंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए डैमेज एंड बायोलॉजिकल सो कोरोना पैंडमिक इज वट काइंड ऑफ अच्छा मुझे पहले पूछना चाहिए था अब तो बायोलॉजिकल पे हो तो, तो तुम आसानी से बता दोगे प्लांट या एनिमल पे लोकस्ट या इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन हो जाता है बर्ड फ्लू डेंगी जो डिजीज हो जाती है जो पैंडेमिक होती है दे आर ऑल बायोलॉजिकल काइंड ऑफ डिजास्टर तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा किसी एक डिजास्टर को देखे एंड दे विल लाइक टू आस्क आस्कू ये किस प्रकार का डिजास्टर है सो दे माइट आस्क यू कि कोरोना पैंडेमिक जो है वो कैसा डिजास्टर है इट्स ए बायोलॉजिकल डिजास्टर अब डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल होती है उस डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल एक एक टॉपिक सा है अभी खत्म कर देते हैं देखो इस साइकिल का मतलब आपको फोटो से ज्यादा समझ में आएगा ठीक है सबसे पहले होता है मिटिगेशन और प्रिवेंशन किसी भी समय हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए मिटिगेट का मतलब है कि ऐसा कुछ करो कि डिजास्टर आए ना उसको होने का रिस्क कम हो जाए और प्रिवेंशन भाई प्रिवेंट करो डिजास्टर होने से पहले की ही प्रिपरेशन कर लीजिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ठीक है प्रिपेयर तो ये जो दोनों के दोनों इवेंट है मिटिगेशन के और प्रीवेंशन के इन दोनों के दोनों के लिए प्रिपेयर करना अब प्रिडिक्शन और अर्ली वार्निंग भाई सुनामी अगर आने वाली है अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम और ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे डिजास्टर आएगा जितना भी रोकने की कोशिश करो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं पे देर आर सेट अर्थ को एक सुनामी बड़े जो डिजास्टर, वर्ल्ड कैनो इन डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता इनके लिए बस प्रिपेयर किया जा सकता है जब वो डिजास्टर आएगा तो सबसे पहले इंपैक्ट असेसमेंट की कितना इससे क्या क्या डैमेज हुआ है रिस्पॉन्स हमारी सोसाइटी का क्या क्या रिस्पॉन्स होगा कैसे कैसे हेल्प होगी और फिर उसी सोसाइटी को नॉर्मल डे टू डे टाइम के अंदर रिकवरी करना और जो जो डैमेज हुआ है उसी को वापस रिकन्स्ट्रक्शन करके फिर दोबारा से मिटिगेशन इस चीज़ को कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की साइकिल ये साइकिल हर डिजास्टर मैनेजमेंट पे चलती है इसको कोरोना के कॉन्टेक्स में अगर देखें तो अगर आने वाला पैंडमिक कोई है तो हमें पहले से ही उसकी मिटिगेशन और प्रिवेंशन के लिए तैयार रहना है वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड हमारे पास मेडिकल रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि हमें प्रिडिक्ट कर सके जैसे हमें पहले जब वायरस आया था तो तो नहीं पता था परंतु तो अब ओमिक्रोन की जो वेरिएंट आई है सो वी आर ऑलरेडी हमें अंडरस्टैंडिंग है ओमिक्रोन आ गया है हम पहले से ही स्टेप्स ले रहे हैं उसको कम करने के लिए और जब डिजास्टर स्टैक होता है तो उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट फिर रिस्पांस गवर्नमेंट ने कैसे कैसे रिस्पांस किया वैक्सीन्स बनानी हैं लॉकडाउंस लगाने हैं एंड मास्क पहनने हैं सोशल बिहेवियर को चेंज करना है एंड धीरे धीरे फिर हम रिकवरी के फेज़ में बढ़े धीरे धीरे ओपन आउट हुआ एंड देन नाउ हमारा कोशिश रहेगा कि कैसे हम वापस अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से जाएं तो इन अगर इस स्टेज को देखोगे तो, तो तीन स्टेजेस हैं इसके बीच में देखिए ये हो गया डिजास्टर तो इससे पहले की जो भी चीज है वो है डिजास्टर से पहले की इससे पहले की जो ये सारी चीजें हैं प्री डिजास्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बिफोर डिजास्टर और ये जो है ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन आफ्टर डिजास्टर एंड बड़ी सारी सी चीजें हैं इम्पैक्ट असैसमेंट रिस्पॉन्स ये सारी की सारी डिज़ास्टर ड्यूरिंग द डिज़ास्टर किए जाते हैं तो अगर हम देखें कि डिजास्टर साइकिल मैनेजमेंट साइकिल में तीन कौन सी स्टेजेज हैं पहले डिजास्टर से पहले जहाँ पर हम ह्यूमन प्रॉपर्टी कि ह्यूमन या प्रॉपर्टी के जो लॉस हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं बाय प्रिपेयरिंग दी सिस्टम्स लाइक दैट हम उसमें प्रिडिक्शन करेंगे एग्जिस्टिंग वीक स्ट्रक्चर्स को uh, और स्ट्रॉन्ग करेंगे हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे ये सारी की सारी मिटिगेशन और प्रिपेरनेस की एक्टिविटी होती है डिजास्टर के ड्यूरिंग कई सारे होते हैं क्योंकि जब जिन जिन लोगों को डिज़ास्टर इफेक्ट कर रहा है उनकी सफरिंग को कम करना है उनके पास एमरजी रिस्पॉन्स भेजना है उनके पास उनको सारी की सारी दवाइयाँ पहुँचानी हैं उनको हेल्प पहुँचानी है फूड पहुँचाना है एंड आफ्टर ए डिज़ास्टर किस प्रकार से सोसाइटी की रिकवरी और रिहेबलीसन की जाए इन सबको रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्टिविटीज़ कहते हैं ये है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल का सिंपल पार्ट तो हमारे पास हमारे आई टेक्नीशियन एग्जाम में ये सिर्फ और सिर्फ एम में पूछा जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा ही नहीं आप बहुत आसानी से ये तीन स्टेजेस उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का पी चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये मैं पी अवेलेबल करा दूंगा यू कैन डेफिनेटली आस्क कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इन केस वाई गोइंग आई जस्ट एक्चुअली जस्ट रिपीट इट वंस मोर कि आई सी ए आर आई ए आर आई का टेक्नीशियन का एक एग्ज़ाम है जिसकी जो डेट है हमारे पास अगर हम आज देखें तो 18 दिसंबर को ये एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है 10 जनवरी इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है और 10 जनवरी के बाद ये जो एग्जाम है ये 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया होगा अब इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और इसको करने का जो थ्रेश है वो बहुत ही आसान है इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें सो दिस दिस इज हैज वेरी वेरी इजी सिलेबस सिर्फ चार इसके अंदर टॉपिक्स हैं जिन चारों के चारों टॉपिक को आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो विद इन वन मंथ फिफ्टी फाइव से सिक्सटी की इसकी जनरल की कट ऑफ जाएगी यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्जाम यू शुड इवन इफ यू आर नॉट इंटर

पूरा का पूरा जो सिलेबस है इफ इफ यू यू कैन डू दिस कोर्स कंप्लीट और उसके जो क्विजेज हैं उनको प्रिपेयर करके चले जाओगे खाली क्विजेज भी कर लोगे यू विल प्रोबेबली बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम मैं आपको कल डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर टू में हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा ये सीरीज जरूर करना क्योंकि वो जो दस क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट के वो मैं इस सीरीज के द्वारा सारे के सारे कंप्लीट करा दूंगा एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास